Assalamualaikum, वेलकम टू माई चैनल कुक विद शाहीन सुल्ताना। तो गाइस आज हम बना रहे हैं दिल्ली के फेमस दही बल्ले। तो इसकी रेसिपी आप जान लीजिए, इतनी बेहतरीन और टेस्टी बनी है ये, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए गाइस। तो चलिए हम इसके इंग्रेडिएंट्स जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे ये है माश दाल, मैंने पाव के जी लिया है यानी 250 ग्राम। ये डबल दाल है यानी गुंडू की दाल कहते हैं, तो ये माश गुंडू दाल है, इसे 250 ग्राम। इसे मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी 3 से 4 पानी में और उसके बाद मैं इसे भिगोऊंगी। तो चलिए हमने देखिए 2 इंच पानी इसके ऊपर रखा है ताकि ये अच्छे से फूल जाएँ यानी अच्छे से सोख हो जाए। इसे हम 2 घंटे तक छोड़ देते हैं। सोख करने के लिए इसे 2 घंटे छोड़ दीजिए, अच्छा सा ये सोख हो जाएंगे तो फिर हम बताएंगे आगे के प्रोसेस। तो देखिए गाइस 2 घंटे बीत चुके हैं, अब मैं इसे अच्छे से छन्नी कर जार में डाल रही हूँ। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। थिक बैटर रहना है इसका, लूज़ बैटर रखेंगे तो कभी भी दही भल्ले नहीं बनेंगे। आपको अच्छे से दही भल्ले परफेक्ट बनाना है तो मेरा मेथड यूज़ कीजिए। तो देखिए इस तरह से फ्लफ़ी हो चुके हैं ये, इसमें डालेंगे हम, एक बर्तन में निकाल लेंगे और बची हुई दाल इसमें डालकर और पीस लेंगे हम। फिर से हम ग्राइंड कर लेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। आपको इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो सारा मैंने अच्छे से पीस लिया है, बैटर बना लिया है, फ्लफ़ी हो चुका है। इसमें अब नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और 1 चुटकी मैंने देखिए खाने का सोडा यानी पाव चम्मच। इससे आप इंस्टेंट बना सकते हैं आपको। और अंदर तक सब बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि कभी सॉफ्ट होते हैं, कभी अंदर से कच्चे हो जाते हैं, तो कभी ये घट बनते हैं। तो देखिए इस तरह से आप बनाइए तो ये अच्छे से पूरे अंदर तक अच्छे से पकेंगे भी, फ्लफ़ी भी होंगे और ये सॉफ्ट भी बनेंगे एकदम गुलाब जामुन जैसे। तो इसे अच्छे से हम एक स्पैचुला लेंगे या कोई भी स्पून लीजिए आप, इसे अच्छे से फेंटिए, एक ही तरफ इसे फेंटना है इस तरह से। चलिए हम अच्छे से मिक्स कर लिए हैं इसमें नमक और खाने का सोडा, मैंने 1 टीस्पून नमक इसमें इस्तेमाल किया है। तो चलिए अब तेल गरम करते हैं और थोड़ा थोड़ा हम पानी हाथ को लगाएंगे और गरम गरम तेल में ये छोड़ते जाएंगे दही बल्ले। इस तरह से हम फ्राई करेंगे, आप साइज़ आपके अकॉर्डिंग से लीजिए, छोटा या बड़ा। मैं मीडियम साइज़ ले रही हूँ। इस तरह से हाथ से आप एक एक करके छोड़ते जाइए और इसे छोड़ दीजिए 1 से 1.5 मिनट, उसके बाद में हम इसे पलटाएंगे। अब इसे हम पलट लेंगे, अलट पलट कर इसे अच्छे से हम फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से ये फ्राई हो जाए। इस तरह से हम अलग भी कर लेंगे इसे। तो तेल अच्छे से गरम रहना चाहिए। चलिए इस तरह से हम चम्मच घुमाकर इसे चारों ओर अच्छे से फ्राई कर लेंगे, एकदम गोल्डन फ्राई। पानी में जाने के बाद ये वाइट हो जाते हैं, आप घबराइए मत कि ये एकदम से लाल हो रहे हैं, ऐसा मत सोचिए, रेड हो रहे हैं या ज़्यादा गोल्डन ब्राउन हो गए हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है। हम जब पानी में इसे छोड़ते हैं तो इसे उसका कलर अपने आप वाइट हो जाता है। तो देखिए इस तरह से हम अच्छे से फाइन कलर फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक भी अच्छे से फ्राई हो जाए। तो चलिए एक बर्तन में हम इसे निकाल लेते हैं। इसे अच्छे से ठंडा होने तक हमें रखना है। इसी तरह से हम एक एक बैच करके सारे इसमें फ्राई कर लेंगे इस तरह से। आपकी कढ़ाई में जितने आ सकते हैं आप उतना डालिए। तो देखिए 1 से 1.5 मिनट हो चुके हैं, इसे मैं टर्न कर रही हूँ।
तो गाइस किस तरह जिस किसी भी मेरे डिशेस पसंद आए तो प्लीज़ गुड कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए मेरे रेसिपीज़ को, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें गाइस। तो देखिए कितने अच्छे ये एकदम यमी फुलकर अच्छे से हमारे भल्ले तैयार हो रहे हैं। ये बहुत टेस्टी होते हैं, एकदम सॉफ्ट बनकर रेडी होते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिए गाइस। और बनाना तो इतना इजी है कि पूछिए मत। त्योहारों का मौसम है तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चाहे वो रमज़ान हो या होली हो। तो इस तरह से देखिए हम एक एक बैच, अब ये थर्ड बैच है, तो सारे 250 ग्राम में चार बैच में ये कंप्लीट हो चुके हैं, यानी चार बैच इसमें आए हैं, 20 से 25 ये इसमें बनकर रेडी हुए हैं। तो देख सकते हैं गाइस कितना यमी और ये कितने फुले फुले बनकर रेडी हो रहे हैं, तो इतना टेस्टी बनकर रेडी हुए हैं ये। आप एक बार नहीं, आप एक बार खाएंगे तो बार बार बनाएंगे इंशाल्लाह। तो चलिए अब इसे भी हम डिश आउट करते हैं, यानी इसके बुलबुले कम हो चुके हैं, ये अच्छे से अंदर तक फ्राई हो चुके हैं। इन सब को हम अच्छे से तेल इसका निथार कर हम इस तरह से निकाल लेंगे। किनारे पर आप थोड़ी देर रुक जाइए और इससे बाहर निकाल लीजिए, तो इसमें एक्स्ट्रा ऑयल पूरा निकल जाएगा और ये अच्छे से रेडी हो गए। तो देखिए 5 से 10 मिनट हम बाहर रख दिए हैं इसे। अब मैं पानी में डाल दूँगी, नॉर्मल पानी है ये, रूम टेम्परेचर का, कोई ठंडा या गर्म नहीं होता है। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है ताकि ये फीके ना रहे। आधा चम्मच नमक डालिए, टीस्पून हाफ टी स्पून इसमें डालकर आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद में ये भल्ले इसमें पानी में छोड़ते जाइए, ये अच्छे से सॉफ्ट और ये दुगना साइज़ हो जाएगा इसमें डालने के बाद। तो इसमें अच्छा सा पानी डालिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी पानी की रहना चाहिए ताकि ये अच्छे से पी लें और सॉफ्ट हो जाए एकदम स्पंज की तरह। इस तरह से मैं हाथ से थोड़ा सा दबाऊँगी और इसे छोड़ दूँगी। तो देखिए गाइस इसे 15 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं। अब तब तक हम चटनी बनाएंगे, वो तब तक सॉफ्ट हो, जब भल्ले सॉफ्ट हो जाएं तब तक हम इसमें अच्छी सी एक चटनी बनाते हैं। ये है हरा धनिया, एक मुट्ठी पुदीने के पत्ते हैं 15 से 20, हरी मिर्ची लेंगे 4 से 5, एकदम फीकी हरी मिर्ची हैं, तो मैंने इस तरह से पीसेस कर लिया है, और 2 लौंग लहसुन की कलियां हैं। चलिए इसमें थोड़ा सा नमक, काला नमक डालूंगी मैं, थोड़ा सा सफ़ेद नमक जाएगा। आप चाहें तो इसमें ज़ीरा भी डाल सकते हैं। अब नमक जाएगा, सफ़ेद नमक भी इसमें बराबर से हम डाले हैं, हाफ टी स्पून हो चुका है ये नमक लगभग, क्योंकि हमने दही भल्लों में भी नमक डाला है, इसकी वजह से हम हरी चटनी में भी थोड़ा सा मचकर डालेंगे। यह है चाट पाउडर, थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर भी डाला, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा दही, इससे चटनी हरी चटनी बहुत अच्छी बनकर रेडी होती है और इसका रंग कलर भी जो होता है वो बहुत उभर कर आता है दही डालने से, यानी काला नहीं पड़ेगा, कड़वाहट नहीं आएगी हरे मसाले की। तो चलिए इसे अच्छे से हम ग्राइंड करते हैं और ये चटनी हमारी बनकर रेडी हो जाएगी। थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए, या नहीं तो आप नींबू का रस डाल दीजिए इसमें। मैंने इसमें लेमन, हाफ लेमन डाला है, लेमन जूस। चलिए अब इसे बनकर ये रेडी हो गई है, इसे अब निकाल देते हैं हम। तो देखिए कितना फाइन कलर ये हरी चटनी का बनकर रेडी हो चुका है। तो भुना हुआ ज़ीरा पाउडर डाल दीजिए, थोड़ा सा चाट पाउडर, काला नमक, सफ़ेद नमक, तो ये इतनी यमी बनकर रेडी होती है। तो चलिए हम एक एक करके सारे
दही वालों का पानी निकालते हैं निचोड़ कर, इस तरह से हम सर्विंग प्लेट में इसे सर्व करते हैं, यानी एक एक लगा देते हैं। तो चलिए हम सेट करेंगे हमारी प्रेजेंटिंग, ये प्लेटिंग हम करेंगे इसकी। इसमें मैंने दही है, ये मैंने दही 300 ग्राम लिया है, एकदम से गाढ़ा थिक वाला मीठा दही लिया है। उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी मैंने डाला है, और इसे ऊपर हम टॉपिंग कर देंगे दही से। सारा दही डाल दीजिए इस तरह से, दही बल्ले हैं तो दही तो अच्छा होना चाहिए इसमें। तो चलिए इस तरह से हम सारे दही बल्लों की टॉपिंग कर लेंगे दही से। अब जाएगा इसमें देखिए हरी मिर्च, हरी मिर्च की जो चटनी हमने हरी चटनी बनाया था उसे भी हम इस तरह से टॉपिंग कर लेंगे। तो स्प्रिंकल कर लीजिए इस तरह से चम्मच से, इस तरह से गार्निशिंग करने से ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब आएगी इसमें, ये मैंने आपको मेरे चैनल पर अपलोड है ये खट्टी मीठी इमली की चटनी, ये भी हम इसमें डालेंगे मीठी चटनी। ये बहुत टेस्टी और ज़ोरदार बनी हुई है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस मेरे चैनल पर ये अपलोड है, आप चेक कीजिए और बनाकर आप इस तरह से रख लीजिए स्टोर कर कर। इसे 6 से 8 महीने तक ये खा सकते हैं, फ्रिज में रख के 1 साल तक भी खा सकते हैं, ख़राब नहीं होती है गाइस। तो मैंने रमज़ान के लिए पहले ही ये प्रिपेयर कर कर रखा था। तो देखिए कितनी यम्मी लग रही है। अब डालेंगे हम भुना कुटा ज़ीरा पाउडर, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर इस पर स्प्रिंकल करेंगे इस तरह से। अब जाएगा इसमें काला नमक 1 चुटकी भरकर, ये भी स्प्रिंकल करेंगे, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो ये है कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाला है, क्योंकि ये स्नैक्स टाइम में हो या शाम के टाइम में, इवनिंग टाइम हो या इफ्तार का टाइम हो तो मिर्च ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं, इसीलिए मैंने कश्मीरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। तो देखिए एकदम ये सॉफ्ट, मैं आपको तोड़कर बता रही हूँ, जैसा कि गुलाब जामुन है आपको दिखाई भी दे रहा होगा, सेम टू सेम एकदम गुलाब जामुन की तरह सॉफ्ट बनकर ये रेडी हुए हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से। खाने में तो लाजवाब है गाइस, आप ज़रूर बनाकर इसे खाइए। चलती हूँ दुआ में, याद रखना, अल्लाह हाफिज़। ओके गाइस, बाय, थैंक यू फॉर वॉच माई चैनल।